चंदावली से। आज पंचायत चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन, सुबह से ही ग्रामीण जनप्रतिनिधि बनने के लिए भीड़ उमड़ी और प्रत्येक क्रमांक का आलम लंबी लंबी लाइन में देखा गया। आज पंचायत चुनाव में नामांकन का अंतिम दिवस था और जिस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि अंतिम दिन बड़ी तादाद में लोग फॉर्म को जमा करने आएंगे, वो भी देखने को मिला। हर क्रमांक में लंबी लंबी लाइन देखने को मिली, लोगों में भारी उत्साह था फॉर्म को लेकर, लेकिन अधिकांश लोगों के फॉर्म में त्रुटि भी अधिक पाई गई, जिससे वह बार बार फॉर्म की त्रुटि ठीक कराते नजर आए। ग्रामीण भीड़ अधिक होने से फोटोकॉपी और स्टाम्प वेंडर की दुकानों पर भी अधिक भीड़ देखेगी। बहुत से ग्रामीणों से हमने जानना चाहा कि वह गांव में नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो उनकी अपनी अपनी राय और ग्रामीण की उन समस्याओं को बताया जो जायज़ हैं। गदुली निवासी इफ्तार मोहम्मद से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से जो विकास होना था, जिस गति से होना था, वो गांव में नहीं हुआ है। ग्राम की सड़क, नाली, बिजली और कुटीर में ये सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम ग्रामीणों के बीच जाएंगे और अगर वहां चुनाव को जीतते हैं तो ग्रामीणों को इन समस्याओं से निजात दिलाना उनका दायित्व होगा। वैसे आज नामांकन का अंतिम दिन था और यह प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक प्रशासन के द्वारा निर्धारित की गई थी और जिन लोगों के फॉर्म जमा नहीं हो पाए थे उनको प्रत्येक क्रमांक के द्वारा टोकन दिया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति इस नामांकन की प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। इसके बाद भी हमने बहुत से ऐसे लोगों की बात की जो टोकन से वंचित रह गए, क्योंकि टोकन जब बांटे गए तब वह फोटोकॉपी की शॉप पर या फॉर्म की त्रुटि को ठीक कराते नजर आए। कहा जाए तो उनके हाथ मायूसी ही मिली। आज देरा तहसील के सभी स्थानों से नामांकन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। वैसे कहा जाए तो ग्रामीणों को आज फॉर्म के अंतिम दिन का इंतजार नहीं करना था, क्योंकि जो लोग अपना नामांकन दर्ज नहीं करा पाए वो इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि अंतिम दिन का इंतजार उनको भारी पड़ गया और वह नामांकन की प्रक्रिया से वंचित रह गए। क्या नाम है सर आपका? इफ्तार मोहम्मद बदू। तो आप आज फॉर्म किसका भरवाने हुए आए थे? मेरे बड़े भाई है अबरार मोहम्मद, महिला सीट है असमा अबरार मोहम्मद का फॉर्म सरपंच पद के लिए गदुली से, गदुली ग्राम पंचायत। तो क्या गदुली में अभी तक विकास की क्या गति है, आप क्या सोचते हैं विकास को लेकर? विकास तो निरंतर प्रगति मांगता है, जो विकास जिस हद से हुआ है वो कम से कम तो हुआ है और अपना उद्देश्य एक ही है कि गरीब तबके को सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचाए। सबसे मेन मकसद अपना जो है कुटी बनवाना है, जो ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। सभी जो ज़रूरतमंद है उनको कुटी का, सरकारी कुटी का लाभ देकर उनको पक्के मकान बनवाएंगे। वैसे तो पंचायत के चुनाव 5 साल में होते हैं, इस बार लगभग 8 साल में ये चुनाव सम्पन्न हो रहा है, तो क्या आपने देखा कि 8 सालों में उस गति से, डबल गति से कार्यक्रम या कार्य हो पाए जिस गति से गदुली को प्रोग्रेस करना चाहिए थी? नहीं नहीं, विकास कार्य तो बहुत नाके बराबर हुए हैं और कोरोना काल में जो 2 साल कोई विकास कार्य तो हुआ नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ राशि जो आई थी उसका पता नहीं क्या हुआ, खर्च हुई नहीं हुई कोरोना काल में, और सरकार की उदासीनता की वजह से चुनाव टल गए और एकदम अचानक से चुनाव कराए नहीं जा रहे, थोप दिए गए हैं। आगे आने वाले समय में अगर आप सरपंच पद पाते हैं तो इसके बाद आप गदुली में किस तरीके का विकास देखना चाहेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता जो मैंने बताया कि सबसे पहले मैं गरीबों के लिए कुटी की व्यवस्था करवाना है, दूसरा जो अंधेरे में पूरा ग्रामीण रहता है उनके लिए सब जगह लाइट की व्यवस्था करवाना है, तीसरा जो नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ, चौक है, गंदगी पसरी हुई है, सन्नाटा छाया रहता गंदगी का, उस गंदगी को दूर करने के लिए चौड़ी चौड़ी नालियों का निर्माण कार्य कराया जाना। गदुली में जो रोड़े डली हुई थी, कुछ कंजेस्टेड एरिया है मैंने देखा हुआ है, उसमें वो रोड़े उखड़ी हुई देखी मुझे, नल जल योजना का कार्य अभी तक हो पाया? नहीं, नल जल योजना का कार्य तो अभी बहुत 1 साल से चल रहा है लेकिन अधूरा ही है, आधा भी नहीं हुआ अभी नल जल योजना का काम, और सड़कें खोद डाली हैं, बस खुदी खुदाई सड़कें हैं वो तो जरा में खुद रही हैं, तो उसकी वजह से ये अवरुद्ध हो रहा है, पाइप जगह जगह निकाल के छोड़ दिए, टंकियाँ बनी नहीं है। लाइट की व्यवस्था कहते हैं कि गदुली में लाइट बहुत जाती है, लाइट का तो ये आलम है कि थोड़ी सी भी अगर हवा चल जाए तो गदुली की लाइट फाल्ट मार जाती है। अभी तकरीबन 7 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइट कटौती तकरीबन 4 महीने से मुसलसल चल रही है, 5 बजे शाम को 7 बजे तक कटौती चलेगी। इसके बीच जो घोषित के अलावा अघोषित लाइट कटौती है वो कई बार सैकड़ों बार आती है और सैकड़ों बार लाइट जाती है। तो क्या गदुली का जनप्रतिनिधि इतना सक्षम नहीं बन पाया अभी तक आपके हिसाब से, जो वहाँ की आवाज यहाँ तक लेके आए विद्युत मंडल में या संबंधित विभाग, जल नल योजना का कार्य जो अभी तक अटका हुआ पड़ा है? संबंध में तो सरपंच जी जानकारी दे सकता है, बाकी एक्टिव होता कोई भी तो काम होती है। थैंक यू। राम यादव। कहाँ से आए? मुनेरू। तो आप यहाँ पे आए हुए हैं, कितने बजे से आए थे? हम 10 बजे। फिर क्या हुआ आपको? हमारा पंच का फार्म जमा क्यों नहीं हुआ अभी तक? जमा क्यों नहीं हुआ? जमा इसलिए नहीं हुआ कि हम बाथरूम चले गए, फिर
बाथरूम चले गए जब तक टोकन बट गए। टोकन कितने बजे बांटे गए? टोकन बांटे गए 2:30 बजे, जबकि टाइम तो 3 बजे तक का था ना। दोपहर 2:45 बता रहे थे साहब, 2:45 पे कॉम्प्लेन टोकन मार रहा। इसके बाद अभी तक आपको टोकन नहीं मिला? नहीं मिला। आपने अधिकारी से संबंधित अधिकारी बात करिए, क्या बोले? टोकन बट गया आपको। आपका नाम क्या है? राम नरेश। कहाँ से आए? गुनेरू। आप किस पद के लिए आए थे? सरपंची के लिए। फिर आप जब से कहाँ गए थे जब टोकन बट रहे थे? 10 बजे थी। फिर बजे क्या हुई कि टोकन नहीं मिला? तो आप संबंधित अधिकारी से बात करो, क्या बोल रहे हैं? आप लोग ग्राम गदुली। क्या नाम है? टीपू सुल्तान। आप लोग कब से आए? 10 बजे से आए। तो फॉर्म भरने का पंच सरपंच जी का, अभी तक फॉर्म क्यों नहीं भरा गया? क्योंकि अंदर रास्ते सही नहीं, इसी कारण काम लेट हो रहा है। तो एक फार्म में कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट का टाइम लग रहा है एक फार्म कंप्लीट होने में। आप लोग जब से आए पानी वानी की उचित व्यवस्था की है? पानी वानी के लिए जा नहीं सकते क्योंकि लाइन में लगे हुए, कहीं जा नहीं सकते क्योंकि अगर लाइन से चले गए ना तो फिर जगह नहीं मिलेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुजाहिद खान। जाहिद जी आप कहाँ से आए? ग्राम गदुली से। गदुली से। तो आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं यहाँ तकरीबन 9 बजे से आया हूँ। आपको अभी तक फॉर्म जमा नहीं हुआ है? अभी तक मेरा फॉर्म जमा नहीं हो पाया है क्योंकि अंदर व्यवस्था जो है वो सही नहीं है व्यवस्था, और स्टाफ की भी कमी है, और इसी वजह से हम लोग भूख में भी खड़े हैं और भूखे प्यासे यहाँ खड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए भैया? गुनेरू से आया हूँ। क्या क्या काम से आए थे यहाँ? मैं पंच का फार्म भरने के लिए आया था। कितने बजे से आए हुए? मैं शायद 10 बजे करीब आ गया। तो आप यहाँ पे जब आए थे तो आप यहाँ पे कितनी भीड़ थी? जब भीड़ तो आए थे जब ही से थी, लेकिन कुछ थोड़ा समय लग गया मेरे को, इसके बाद फिर लाइन में आ चुका हूँ। इसके बाद लाइन में भीड़ ज़्यादा है और मतलब पानी वानी की भी तो समस्या खराब है। खाने पानी की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, पैसे वालों का रुतवा है, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं हो रही, धक्के में मरम गिर गिर पड़े हो रहे हैं। अब तो आप जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, अब आप क्यों इतना वो परेशान है? बीजेपी को राज चल रहा है, सुपरिया का घर है। खबर भारत वर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।